नमस्कार, मुझे मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ है। बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। एलिवेटेड मेट्रो के साथ ही मुंबई में जमीन के नीचे भी मेट्रो निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। जमीन से 20 मीटर नीचे बन रहे 26 मेट्रो स्टेशनों में से 16 मेट्रो स्टेशन 80% से अधिक बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं 7 स्टेशनों का सिविल वर्क 70% से अधिक पूरा हो गया है। मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो का निर्माण कार्य कोलाबा बांद्रा सिप्स के बीच 33.5 किमी में किया जा रहा है। एमएमआरसीएल के अनुसार एमआईडीसी स्टेशन का सबसे अधिक 85% तक सिविल वर्क पूरा हो चुका है। एमआईडीसी के बाद विधान भवन स्टेशन 84% और सिप्स स्टेशन 83% तक बनकर तैयार हो चुके हैं। मरहोल नाका स्टेशन 82%, सिद्धि विनायक स्टेशन 80%, कफ परेड स्टेशन 82%, चर्च गेट और हुतात्मा चौक स्टेशन 81% तक बनकर तैयार हो गए हैं। वहीं बात करें मुंबई सेंट्रल की, महालक्ष्मी वर्ली सहार रोड डोमेस्टिक एयरपोर्ट स्टेशन करीब 80% सिविल वर्क पूरा हो चुका है। सीएसएमडी दादा सायन म्यूजियम शीतला देवी धारावी बीकेसी विज्ञान नगर स्टेशन 70% से 75% तक बनकर तैयार हो गए हैं। देरी से शुरू हुए गिरगांव स्टेशन का निर्माण कार्य सबसे कम 29% तक हुआ है। राज्य और केंद्र सरकार के विवाद के चलते भले ही मेट्रो कारशेड निर्माण का कार्य आरंभ नहीं हो पा रहा है, किंतु इस विवाद का असर मेट्रो मार्ग के निर्माण कार्य में नहीं पड़ा है। टीबीएम व अन्य उपकरण की मदद से करीब पूरा मार्ग तैयार कर लिया गया है। एमएमआरसीएल के अनुसार आगामी कुछ दिनों में टनलिंग का 100% काम पूरा कर लिया जाएगा। तब तक 97% तक टनलिंग और पूरे प्रोजेक्ट का करीब 70% तक सिविल वर्क पूरा हो चुका है। तो ये आज की खास खबर। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।